सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 का टर्म 2 का जो है सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है आपका टर्म 2 में सबसे पहला सब्जेक्ट कराने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसकी ये फर्स्ट क्लास है और चैप्टर 4 लिया गया है आज की इस वीडियो में। चैप्टर का नाम है कार्यपालिका। इसके हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कवर करने वाले। इस वीडियो में जो हम चैप्टर जो आपका 4 है, इससे एक नंबर के जो क्वेश्चन निकल रहे उसको कवर करेंगे। एक नंबर के क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होंगे जो आपको राइट करना होता है, एक तरह से आपके वो तो पॉइंट में लिखना होता है एक नंबर के, जिसमें हम नेम और डेट को छोड़ के कह रहे हैं आपको। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कार्यपालिका को देखते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन निकलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया गया है कार्यपालिका, वो है क्या? ठीक है, तो कार्यपालिका क्या है, ये क्या है, एक मैं अगर इजिली आपको बता दूं तो क्या ये नियमों को लागू करता है। ठीक है, नियमों को लागू करना जो है इसका काम है। लेकिन मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूं ताकि आप जो है कभी ना भूल सके। ठीक है, तो इसको देख लेते हम, ये जो है नियमों को लागू कैसे करती है, कौन से नियम, जो वो सब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कार्यपालिका जो है ये एक सरकार का एक अंग है, तो मैं सरकार के अंग की एक बार बात कर लेता हूँ आपके सामने। सरकार के अंग, सरकार के जो है टोटल आप देखोगे तो 4 अंग है, वैसे आपने 3 बताया गया। सबसे पहला आता है आपका विधायिका। विधायिका ये आपका चैप्टर भी है, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। जो आगे चैप्टर आएगा इसमें थोड़ा मैं बता दूंगा कार्य और विधायिका के लिए। दूसरा है आपका कार्यपालिका, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो। और तीसरा आता है न्यायपालिका। ठीक है, ये आपके 3 जो है मैंने बता रहे सरकार के अंग है। ठीक है, एक और होता है मीडिया, लेकिन हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, बात करेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के। देखिए, जो विधायिका होती है उसका जो काम होता है वो होता है आपका नियमों को क्या है बनाना। ठीक है, इसका काम क्या है, कानून बनाना। कानून और नियम क्या है, नियमों को बनाना। जैसे आप देख रहे होगे कोई से भी नियम है या कानून है, जैसे कृषि कानून हो गया आज जो ट्रेंड में चल रहा था, जैसे ये सब जो है इनको बनाना है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ कृषि कानून। कृषि कानून, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ। एक होता है कार्यपालिका, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, कार्यपालिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो कार्यपालिका क्या काम होता है, इन्होंने क्या है कि नियमों को बना दिया विधायिका, इसका क्या काम है, लागू करवाना। ठीक है, लागू करना, जो भी नियम कायदे कानून है उनको ये क्या करती है, लागू करती है। इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे कोई सा भी कृषि कानून बना दिया, अब जो नहीं कर रहा या कोई सा भी कानून बना दिया, ठीक है, कोई भी नियम बना दिया, तो इनका क्या काम है, जो नियम को नहीं मान रहा है, मतलब कैसे पता चलेगा लोगों को कि नियम है कायदे कानून है, जब ये मतलब लागू कर देंगे, इन्होंने तो बना दिया, इन्होंने क्या है लागू कर दिया। लेकिन कोई भी चीज लागू कर देने से कुछ नहीं होता है जब तक उसके ऊपर सख्ती ना पेश की जाए। तो ऐसी कार्यपालिका है, अगर कोई इस नियमों को क्या है कि इसका पालन नहीं करता है, जैसे इस एक पार्क है, ठीक है, एक पार्क है, इसके लिए इन्होंने नियम बनाया कि इस पार्क में सिर्फ जो है 60 साल से जो अधिक के व्यक्ति है वही जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको इन्होंने नियम बता दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है कुछ इस एज से जो नीचे के है वो आ जाते हैं, तो इसके लिए क्या है कार्यपालिका जो भी है दंड, मतलब जो भी है इनको रोकेगी जाने से, जैसे भी हो सके। ठीक है, तो ये रोकती है। और तीसरा काम है, अगर ये ना रोके इनसे तो तीसरा क्या काम है, इसको न्याय करना। न्यायपालिका का क्या काम है, न्याय करना, या आप कह सकते हो सजा देना। जो भी व्यक्ति नहीं माना कि पार्क में चला गया, तो उसको क्या करेगी, ये जो है ये आपकी कार्यपालिका, ये इसको व्यक्ति को पकड़ के इसके पास ले जाएगी और ये न्याय करेगा और या सजा देगा इसको। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कार्यपालिका का क्या काम होता है, कि जो भी नियम है उसको क्या है लागू करना। ठीक है, कोई भी नियम है तो उसको लागू करना जो है काम होता है कार्यपालिका का। ठीक है, आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसा मैं बता दिया हूँ आपको। ठीक है, और सही से आपको समझना हर एक चीज, मैंने चैप्टर से जो लिया है मेनली उन चीजों को लिया है जिसमें शुरुआत में जिसमें बच्चे कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो उसको हमने लिया है, तो आप समझ गए कि कार्यपालिका जो है होती क्या है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे जो है अगला क्वेश्चन आता है आपका,
की कार्यपालिका है, उसके फिर आगे जो है दो भाग हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो कार्यपालिका के प्रकार अलग है, ठीक है, एक होता है स्थायी कार्यपालिका। अब ये क्या है, तो देखिए इसमें क्या होता है, कार्यपालिका के मैंने आपको भाग जो है बताए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे कार्यपालिका के बारे में बताया कि ये क्या है, जो कानून है उसको लागू करने का काम करती है, ठीक है, और ये एक सरकार का अंग है। एक्सप्लेन आपको कैसे करना है, ठीक है, मैंने तो सिर्फ बता दिया लागू करने का काम करती है। तो ये क्या है कि विधायिका द्वारा जो भी कानून नियम बनते हैं उनको लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है, यही होता है आपका कार्यपालिका, ठीक है, और ये एक सरकार का अंग है। स्थायी कार्यपालिका, तो कार्यपालिका जो है मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, जो कार्यपालिका है वो दो पार्ट में हो जाती है, ठीक है, कार्यपालिका यहाँ पे दो पार्ट में हो जाती है, एक हो जाती है आपकी स्थायी कार्यपालिका और एक हो जाती है आपकी अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका। तो हम बात करेंगे पहले स्थायी की फिर करेंगे अस्थायी, ठीक है, तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं स्थायी। स्थायी कार्यपालिका होता क्या है, तो इसमें आप देखो सबसे पहले कि स्थायी कार्यपालिका में ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है या आप ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो परमानेंट होते हैं, स्थायी व्यक्ति होते हैं इसमें, ठीक है, स्थायी व्यक्ति होते हैं इसमें कार्यपालिका में, ठीक है, स्थायी व्यक्ति होते हैं। दूसरा जो है इसी में आप लिख सकते हो, जो जिनका जो कार्यकाल होता है जब तक, मतलब इनकी रिटायरमेंट की हो जाती है ना, रिटायरमेंट की एज तक जो है ये काम करते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट की जो एज होती है इनकी वहां तक ये काम करते हैं और इनको जो है निकाल नहीं सकते, इसको आप जो है उससे पहले रिटायरमेंट की एज से पहले निकाला नहीं जा सकता। यदि आप ये कह सकते हो कि इसे जो है ये स्थायी होते हैं, स्थायी मतलब होता है कि एक उसका कार्यकाल होता है, ठीक है, मतलब एक समय सीमा इनकी होती है, एक समय सीमा होती है जिसमें रिटायरमेंट इनकी दे रखी है, तो मतलब आप इसे कह सकते हो परमानेंट, ठीक है, परमानेंट ये रहते हैं। स्थायी कार्यपालिका में वे लोग रहते हैं जो परमानेंट होते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला जो आपका आता है, ठीक है, स्थायी आपने देख लिया, अस्थायी जो है, हाँ, अस्थायी कार्यपालिका इसे देख लेते हैं। देखिए अस्थायी कार्यपालिका में जो है ऐसे लोग होते हैं जो अस्थायी होते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से व्यक्ति होते हैं मैंने आपको जो है पीछे ये नहीं बताया, ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि इसमें जो है आपके जैसे स्थायी कौन हो गए, नौकरशाही किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, जो नौकरशाही होते हैं सरकारी कर्मचारी जो किसी न किसी एग्जाम देकर जो भी योग्यता है योग्यता के आधार पर जो है वो मतलब आप कह सकते हो एग्जाम देकर आए हैं और इन्होंने जो है गवर्नमेंट जॉब पाई, ठीक है, तो ये होते अस्थायी, ठीक है। अब हम अस्थायी की बात कर लेते हैं, तो अस्थायी में आपके जो है कौन कौन अस्थायी होता क्या है, तो ये परमानेंट नहीं होते आपको ऐसे पता चल गया होगा, ठीक है, तो ये अस्थायी में ऐसे लिख देता हूँ, अस्थायी लोग शामिल होते हैं, अगला है इसमें होता क्या है कि इसमें जो भी लोग आते हैं वो चुनाव के द्वारा आते हैं, ठीक है, चुनाव होता है इनका, चुनाव के द्वारा चयन होता है इनका, ठीक है, जो भी इस कार्यपालिका में आता है अस्थायी कार्यपालिका में उनका क्या होता है, चुनाव के द्वारा चयन होता है, ठीक है, जो भी चुनाव जीतता है वो आता है, ठीक है, और इसमें जो है मतलब ये जो है इनका कार्यकाल जो है मतलब चुनाव के भरोसे, मतलब ये चुनाव हुआ इनका, अब चुनाव मान लो कि 5 साल का है तो ये 5 साल तक ही रहेगी, ठीक है। इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं, तो आपके राष्ट्रपति आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, ठीक है, प्रधानमंत्री और जो उनका मंत्री परिषद आता है, ठीक है, मंत्री परिषद, ये सारी चीजें आ गई। अब मैंने सोचा कि बच्चों को जो है मैं आप ये भी तो नहीं बताऊं कि राष्ट्रपति होता क्या, ठीक है, तो वैसे बच्चों को थोड़ी भी कंफ्यूजन होगी, तो मैंने एक एक नंबर कैसे क्वेश्चन लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए आने के एग्जाम में आने के नजरिए से, ठीक है। और राष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री कौन होता है, मंत्री परिषद क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता हो तो मैं जब बड़े क्वेश्चन जो है उसका एक्सप्लेन करूंगा तब मैं एक बार बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आपने जान लिया स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका, स्थायी में परमानेंट सदस्य होते हैं, अस्थायी में परमानेंट नहीं होते। आगे बात करते हैं कार्यपालिका के कितने रूप होते हैं, ठीक है,
तो कार्यपालिका के कितने रूप होते हैं? इसमें एक हाँ, कार्यपालिका के कितने रूप होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो मैंने तो आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया इस IAS का, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा पूछा जाएगा कितने रूप होते हैं, तो आप यहाँ बता दोगे कार्यपालिका के दो रूप होते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही आपको लिखना है। जैसे कार्यपालिका हो गया, ठीक है, इसके दो रूप होते हैं, एक होता है स्थायी, मैंने बता दिया किसे कहते हैं, और दूसरा होता है अस्थायी। ठीक है, एक नंबर में अगर ये पूछा जाए कितने रूप होते हैं, तो आपको दो लिखना है, और दो रूप होते हैं, ठीक है, एक आप पॉइंट में डाल सकते हो स्थायी, और दूसरा डाल सकते हो अस्थायी। ठीक है, तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं? अब प्रकार की बात होती है, ठीक है, तो ये थोड़ा जो है बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन मैं इसको दो नंबर में बता रहा हूँ, ताकि आप इसके अंदर दो नंबर के बहुत सॉरी एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं सबसे पहले कार्यपालिका, आंसर देख लेते हैं इसका। कार्यपालिका, ये आपकी कार्यपालिका, इसके प्रकार पूछा कितने प्रकार के होते हैं, तो ये देखिए दो प्रकार के होते हैं, मेनली ये दो प्रकार की होती है। एक होता है, अगर आप बुक देखोगे तो वहां लिखा मिलेगा आपको, एक सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, सिद्धांत पर आधारित। अब राइटिंग थोड़ी दिक्कत दे रही हो आपको, तो आप मेरे आप सुन सकते हो मुझे, तो उससे भी आपको सही पता चल जाएगा। ठीक है, एक होता है व्यक्तित्व, एक होता है व्यक्तित्व नेतृत्व के आधार पर। ठीक है, नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, के सिद्धांत पर आधारित। ये दो पार्ट हो गए, मतलब कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं, दो। एक कौन सा होता है? सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, और एक होता है व्यक्तित्व। ठीक है, समझ ना आ रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ, व्यक्तित्व नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित। ये आपका पहला पार्ट हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये भी, ये जो पहला पार्ट है, ये आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है। एक आ जाता है आपका संसदनात्मक, संसद संसाद संसदनात्मक, ऐसी दूसरे आपका दात्मक, ये है आपका। ठीक है, और एक होता है आपका एक अर्ध अध्यक्षात्मक। ठीक है, एक आपका कौन सा होता है? अर्ध अध्यक्षात्मक, ये आपका एक, ये अब इसके दो पार्ट हो गए, एक तो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित है, इसके दो पार्ट हो गए, और जो दूसरा है उसका एक ही पार्ट है, जिसका नाम है अध्यक्षात्मक। ठीक है, अगर ये आप बुक में देखोगे तो आपको छात्मक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ये पहला मेरा वीडियो है जो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसे में बच्चों को अच्छे समझ आए, तो रिस्पॉन्स करे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने ये ट्राई किया है आपको समझाने के। तो ये समझ गए होंगे आप कि दो प्रकार के होते हैं, किसके, एक तो आपका सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, और एक व्यक्तित्व के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, ये आप दोनों समझ गए होंगे, लेकिन ठीक है, वही पूछे सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित का जो है कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार होते हैं, एक संसदात्मक और एक अर्ध अध्यक्षात्मक। ठीक है, और यही दूसरे की बात करें तो यहाँ पे एक होता है। अब आगे बात करेंगे हम इनके बारे में, ये क्या होता है, ये क्या होता है, और ये क्या है, ये तो आप समझ गए। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है ये कई बच्चों को समझ ना आए, इसमें क्या होता है, एक तो सामूहिक मतलब इसमें एक समूह नेतृत्व करता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक व्यक्ति कह सकते हो आप इसमें नेतृत्व करता है, तो ये सब तो हम आगे बात करेंगे, और जो एक्सप्लेन है बहुत ज्यादा एक्सप्लेन जो है वो मैं आपको जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें भी जरूर करूंगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, संसद संसदात्मक व्यवस्था क्या है। ठीक है, पढ़ने में भी अजीब सा लग रहा है, तो इस व्यवस्था में क्या होता है, आप अगर बुक खोल के देखोगे, मैं एक नंबर में इसे इसलिए ले रखा हूँ ताकि ये आ भी जाता है। ठीक है, ये ज्यादा बड़े अंकों में नहीं आता, लेकिन इसके पॉइंट जो है आपको 3-4 दे रखे हैं, लेकिन मैं इसे एक नंबर में आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। इसमें क्या होता है,
जो सरकार होता है, सरकार उसका जो प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख इस व्यवस्था में क्या होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। और यही वहीं पे जो है प्रधानमंत्री भी होता है और राष्ट्रपति भी होता है इसमें, लेकिन राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रधान होता है इसमें, ठीक है। मतलब इसके पास होती है शक्ति लेकिन नाम मात्र की, आप कह सकते हो नाम मात्र की शक्ति होती है इसमें, ठीक है। इसमें सरकार का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसको, बहुत इजी है। संसदात्मक व्यवस्था, ये आपका हो गया होगा। आगे जो दूसरा आता है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें जो है राज्य का जो प्रमुख है और सरकार का प्रमुख दोनों ही अलग होता है। राज्य का जो प्रमुख होता है, ठीक है, राज्य का वो होता है राष्ट्रपति, और सरकार का जो प्रमुख होता है, ठीक है, सरकार का वो होता है प्रधानमंत्री। ये आप एक नंबर में लिख सकते हो, ठीक है, इसमें दोनों ही अलग अलग है। आगे जो है अगला है आपका अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इन सबको जो है मैं आपको चार नंबर में एक्सप्लेन करूंगा, जब फोर अंक की जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे तब वहां पे मैं आपको सही से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन क्या ये ज्यादातर एक नंबर में आते, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया, ठीक है। लेकिन अगर भूले भटके चार नंबर में आ जाए तो मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगा। तो इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति ही प्रधान होता है, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधान होता है, और ये राज्य और सरकार दोनों का होता है, ठीक है, राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान जो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन हो गए होंगे। सबसे पहला आपका जो है संसदात्मक व्यवस्था, ये वाला, और अगला आपका कंक्लूजन वाला होता है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। सबसे पहले समझिए, सबसे पहले में आता है कि प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, और सबसे आगे तीसरे नंबर पे राष्ट्रपति, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपके जो क्वेश्चन है उसमें एक नंबर वाले में कि पॉकेट वीटो है वो होता क्या है, पॉकेट वीटो होता क्या है। तो देखिए वीटो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ वीटो क्या होता है। तो देखिए ये एक शक्ति होती है, ठीक है, ये एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें क्या है कि कोई भी प्रस्ताव होता है, कोई भी प्रस्ताव किसी से भी रिलेटेड है, ठीक है, अगर उसे वीटो की शक्ति है ना तो वो उस प्रस्ताव को कैंसिल कर सकता है। मतलब उसको बोल सकता है पूरी तरह, भले ही एक तरफ जो है हजार लोग हो जाए और वहां पे वो अकेला हो, लेकिन अगर इस अकेले के पास वीटो है तो वो पूरा का पूरा जो भी बनाया गया हजार व्यक्ति के द्वारा उसे वो खत्म कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है वीटो। लेकिन यहाँ पूछा गया है पॉकेट वीटो जो है वो होता क्या है, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैं आपको कानून बनाने के लिए जो है तीन तरह का होता है कानून, जो बनता है लास्ट में जाके राष्ट्रपति जो है वही करता है, ठीक है, इसके सिग्नेचर के बिना साइन, सिग्नेचर के बिना जो है कानून नहीं बने। देखिए एक कौन सा होता है जिसमें साइन ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, तो सिग्नेचर जो होता है अगर उसने कर दिया तो बन गया काम, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। दूसरे पार्ट में क्या होता है, ये साइन नहीं किया, मान लो इसने साइन नहीं किया तो ये क्या करेगा, इसको वापिस भेज देगा और कहेगा कुछ सुधार करने, यानी इसने कहा सुधार करने के लिए इसने भेज दिया, कुछ ना कुछ सुधार करो। तीसरे में होता है कि साइन भी कर देता है, मतलब साइन नहीं करता है और ये सुधार के लिए भी नहीं भेजता, इसमें राष्ट्रपति जो है पॉकेट वीटो का यूज कर सकता है, ठीक है। तो एक मिनट, इसमें जो है राष्ट्रपति जो है पॉकेट वीटो का यूज करता है, जिसमें ना तो वो इसमें ना तो वो वापिस भेजता है कि सुधार करो, ना वो सिग्नेचर करता है कि काम, ठीक है, तो ये होता है पॉकेट वीटो, इसका वो प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यपालिका में किन किन लोगों को शामिल किया जाता है। तो कार्यपालिका में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो आता है आपका वो आता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो है ऊपर है इसमें। दूसरा आता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। तीसरा आपका आ जाएगा प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद भी जो है इसमें शामिल होता है, ठीक है, ये सब काम करते हैं इसमें, और भी काम करते हैं, जैसे आपके नौकरशाही मैंने जिसको बोला था सरकारी ऑफिसर,
यही सब तो इम्पोर्टेंट रोल करते, यही सब तो कानून जो है बनाने का, जो भी कैसा कानून रहना चाहिए ये सब यही देते हैं। तो एक ये हो गया आपका आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस हो गए, ठीक है, ये सब जो है शामिल होते हैं कार्यपालिका में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन कौन से लोग शामिल होते हैं एक नंबर में, तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक एक नंबर वाले ये क्वेश्चन थे, कुछ आगे है नहीं है। तो एक एक नंबर वाले हमने ये टोटल जो है 10 क्वेश्चन लिए हैं, और मैं आपको कुछ लास्ट में कुछ बता देता हूँ। हाँ तो देखिए, सबसे पहले आपका जो चैप्टर का नाम था ये कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, इसके जो है हम एक एक नंबर वाले जो है क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक अंक के क्वेश्चन करने के बाद हम 2 अंक के क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है, जो बड़े बड़े आते हैं। फिर आ जाएंगे जो 4 नंबर के आपका आते हैं, 4 अंक के प्रश्न, इसके बाद 6 अंक के प्रश्न, ठीक है। पूरा एक चैप्टर को हमें सही से बिल्कुल समझ लेना है, क्योंकि देखिए मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर रीड नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर रीड कराना जो है अभी आप कह सकते हो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे आपका जो है जनवरी पूरा फरवरी, ठीक है, और मार्च, मार्च में आपके करीब जो है एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको, और हमें एक सब्जेक्ट थोड़ी नहीं देखना है, पॉलिटिकल थोड़ी नहीं देखना है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है आपका, हिंदी है आपका, ठीक है, जियो है आपका, और भी कई सारे सब्जेक्ट है, फिजिकल है आपका, तो ऐसे करके बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देना सही है। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि ये आपको सही है लिख के पढ़ाने का तरीका, कि मैं आपको पीडीएफ पे ही पढ़ाऊं, ठीक है। वैसे तो ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं ऐसे और अच्छा कराने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा जो है कमेंट करके जरूर बताइए कि ये तरीका आपको कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यही था आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।